Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to convert decimal number into binary number very fast. तो चलिए ये देखते हैं कि किसी भी decimal number को binary form में बहुत ही तेजी के साथ कैसे convert कर सकते हैं. इसके लिए आपको जरूरी है कि 2 का table याद हो. 2 का table याद हो का क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, 1 का square किया, समझिएगा 1 को अगर दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब 1 में अगर 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2. अब 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, उसका दोगुना 8, उसका दोगुना 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. ये आपको याद होना चाहिए, जितना ज्यादा याद हो उतना ज्यादा अच्छा. चलिए अब बात करते हैं 55, यहां लिखा हुआ है 55 को कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे वही हम देखने वाले हैं. तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, और यहां पर हम समझेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं कि यहां पर किन-किन नंबर्स को जोड़ने से 55 बनेगा. 256 को तो जोड़ेंगे नहीं, 128 को भी नहीं जोड़ेंगे, 64 को भी नहीं जोड़ेंगे. हमारा काम यहां से शुरू होता है, ठीक है? आइए देखते हैं ये बनेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा नीचे आ जाता हूं, और यहां पर बात करेंगे हम. अगर हम 32 में 16 ऐड करते हैं तो 48 होता है. 32 में 16 ऐड करेंगे तो 48 होगा, क्योंकि इसके बाद 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा. तो अभी इतना तो क्लियर होगा आपको कि 32 में 16 ऐड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 8 ऐड करते ही ये ज्यादा हो जाएगा. तो इन दोनों नंबर्स को हमें ले लेना है, पहले 32, और जिनको भी आप लेंगे उनके आगे 1 लिखिएगा, उनके नीचे क्या लिखिएगा, आप 1 लिखिएगा, जैसे आप जिसको भी ले लीजिए, ठीक है? पहले इसको जोड़ते हैं हम, 1 + 2 = 3 हो गया, 3 + 4 कितना हुआ, 3 + 4 हो गया 7, 7 और 8 = 15, और 15 और 10 = 25, और 25 और 6 कितना हुआ, 31. तो इतना जोड़ने से, इतने नंबर्स को जोड़ने से, मैं आपको दिखाता हूं, इतने को सिर्फ जोड़ने से हमारा काम हो नहीं पा रहा है. हम 32 को भी लेने वाले हैं, तो चलिए ये 32 को भी ले लेते हैं. और 32 को लेने के बाद अब हम 32 में क्या ऐड करेंगे, 16 ऐड कर लेते हैं, ठीक है? 32 में आप ऐड कीजिए 16, तो कितना हो जाता है, हो जाता है 48, ठीक है? 48 में अगर आप 4 ऐड करते हो, ठीक है, 48 में अगर आप 4 को ऐड करते हो, ठीक है, यहां पर इसको भी हम ले लेते हैं, 48 में अगर आप 4 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 52, ठीक है? और 52 हो जाएगा, और इसमें 2 ऐड करो 52 में, तो 52 में जैसे ही आप 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 54, और 54 में 1 ऐड कर लीजिए आप एट लास्ट, तो जैसे ही 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 55. यानी कि अब हमें कैसे करना है ये एक बार आप समझ लीजिएगा तो ये काम बहुत आसान है, आप बहुत ही आसानी के साथ कर पाइएगा. देखिए अब हमें करना क्या है, अब हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे आना है, और जिन-जिन संख्याओं को हमने लिया है, देखिए येलो कलर से जो है उसको मैंने नहीं लिया है, जो येलो कलर से है उसे मैंने नहीं लिया है, और जिनको लिया है उनके आगे आप 1 लिख दीजिए. तो यहां 1 लिखा हमने, ठीक है, यहां भी लिया है हमने, तो यहां मैं लिख दूंगा 1, ठीक है, और इसको हमने नहीं लिया है तो यहां पे मैं लिख दूंगा 0. आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको. यहां पे लिखेंगे 1, और फिर यहां पर भी लिखेंगे 1, ठीक है, और यहां पर भी लिख देंगे हम 1. ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, वापस से बाइनरी में. अब जो जनरल मेथड यूज की जाती है बाइनरी कन्वर्जन के लिए, वो क्या यूज की जाती है उसको आइए समझते हैं. आइए देखते हैं, 55 है, 55 यहां पे मैं लिखता हूं 55, ठीक है. इसको कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक इस तरह का मेथड फॉलो करते हैं, या इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 = 4, तो यहां 2 लिख देंगे, रिमाइंडर हो गया 1, 2 × 7 = 14, रिमाइंडर जो बचेगा उसको साइड में यहां पे लिख देंगे, तो 1 यहां पे लिख दिया हमने, रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर यानी शेष जो बचता है उसे कहते हैं. तो यहां 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 13 टाइम ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा 1, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिख दीजिए.
फिर यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, अब की बार 6 टाइम ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर होगा 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1, और अब की 2 से डिवाइड करेंगे फिर 3 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर होगा 0, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे और इस बार 1 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर होगा 1। अब एट लास्ट जो ये 1 बचा हुआ है इसको यहाँ पे साइड में लिख देंगे और अब इसको उल्टा चल देना है हमें, तो 1 आंसर क्या आएगा, 1 1 फिर आएगा 0 फिर आएगा 1 1 और 1, ये हमारा आंसर होगा। आइए इसको मैच करते हैं इससे और जानते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो यहाँ आया है 1 1 0 3 टाइम 1, इस पे देखते हैं 1 1 0 3 टाइम 1। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी।